चलो जी, एक काम भी बहुत ज़रूरी था जो कि हो गया। त्यौहार है भाई, ईद का मौका है, और ईद पे मेहंदी ना हो तो ईद ईद नहीं लगती है भाई। और हाँ, इसके साथ ना एक रूह अफ़ज़ा की रेगुलर वाली बोतल होती है ना, एक तो होती है जंबो साइज और एक होती है नॉर्मल। एक ही बार की मसाज से इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि चेहरा जो है ना चांद की तरह चमक जाएगा आपका। कम के ब्लीच हो गया है और लुक देखें यहाँ पे कितने शाइन कर रही है, नोज़ भी और फोरहेड पे भी। और साथ में देखें हल्दी है, सूखा धनिया है पिसा हुआ, और ये लाल मिर्च पाउडर है। और आज के ब्लॉग में जो है ना, हम कोई काम शाम नहीं करने वाले, घर के काम शाम सब कुछ साइड पे रख के भाई अपनी ईद की तैयारी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कल ईद है, आज चांद रात है, तो भाई कोई तैयारी नहीं की, वैसे ही मुंह लेके खड़े हैं, वैसे ही हाथों पे बाल छाल हैं, देखे देखे हाथों पे बाल छाल हो रहे हैं। तो भाई आज हम करने वाले हैं सबसे पहले वैक्स, उसके बाद करेंगे हम ब्लीच, उसके बाद करेंगे हम फेशियल, और अपर लिप्स वगैरह जो आ रही है ना, जो ये देखें, तो भाई ये सब कुछ साफ़ सुथरा करेंगे। अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे आज, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया है, अपनी कोई केयर नहीं की है, कोई फेशियल वगैरह नहीं किया। मैंने ये मंगवा लिया था, ये हमारे पास से ना बड़ा आसानी से मिल जाता है, ओलिविया की ब्लीच। तो ये दोनों मैंने दो पैकेट मंगवा लिए थे, मेरे लिए जो है ना काफ़ी रहेंगे, हाथों के लिए, पैरों के लिए और चेहरे के लिए काफ़ी रहेगा। तो हम जल्दी से ब्लीच करते हैं, ब्लीच बना लेते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी तो अभी मैं ब्लीच बनाने लगी थी, मैं सबसे पहले ब्लॉन्ड को निकाल लूँगी एक छोटे से प्याले में, उसके बाद जो इसका पाउडर है ना वो मैं अपने चेहरे के हिसाब से लूँगी, जितना आपको सूट करता है आप उतना लें, मुझे थोड़ा सूट करता है। अच्छा जी, तो देखें ब्लीच हो गया है और लुक देखें यहाँ पे कितने शाइन कर रही है, नोज़ भी और फोरहेड पे भी कितनी शाइन आ रही है। मेरे पास है ये अलीशा का फेशियल, जो कि इसकी किट बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास इसके ना 6 बॉक्सेस हैं, जैसे कि मेरे पास है मसाज क्रीम, डबल एक्शन स्किन पॉलिश है, स्क्रब है, ट्रिपल एक्शन है देखें, और एक ये मड क्ले मास्क है इसका, मड मास्क। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने मसाज क्रीम ले ली है, हाथों पे भी थोड़ी सी ले ली थी और थोड़ी थोड़ी मैंने चेहरे पे भी लगा दी, उसके बाद थोड़ा पानी की मदद से फिर मैंने मसाज स्टार्ट कर दी थी चेहरे की, ताकि थोड़ा उसका टेक्स्चर जो है ना वो रनिंग में आ जाए और अच्छे से मसाज हो जाए। अच्छा जी, तो आपने ना वीडियो पे बिल्कुल नहीं जाना, वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हुई हुई होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होता है हाँ इतनी जल्दी काम हुआ, ऐसा नहीं होता, आपने हर स्टेप को 10 मिनट तक करना है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिया था एप्रिकोट का स्क्रब, मसाज के बाद एप्रिकोट का स्क्रब ले लिया था मैंने, जो इस अलीशा के बॉक्सेस में होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। देखिए आपने अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करनी है अच्छे से। अच्छा, फेशियल में और ब्लीच में फ़र्क सिर्फ यही होता है, ब्लीच जो होता है ना वो हमारी स्किन को लाइटिंग की तरफ लाता है, लाइट करता है, यानी कि जो आपके स्किन पे फेशियल हेयर होते हैं वो सबको जो लाइट हो जाता है, कलर लाइट हो जाता है ज़रा। और फेशियल क्या काम करता है, फेशियल करता है आपके चेहरे में से जो डर्ट स्किन होती है, डर्ट होती है वो सबको रिमूव करता है। तो आपने अच्छे से मसाज करनी है, अच्छे से अपने एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, और आपने कम से कम 5 से 10 मिनट तो लाजमी देने ही देने। तो भाई उसके बाद मैंने स्क्रब करने के बाद मैंने डबल एक्शन यूज़ किया था, और डबल एक्शन के बाद मैंने स्किन पॉलिश और ट्रिपल एक्शन स्किप कर दिया था मैंने, उसके बाद डायरेक्ट मड मास्क अप्लाई किया। आप चाहें तो आप ये दोनों स्टेप कर सकते हैं, मेरे चेहरे पर बात यह है कि सूट नहीं करता, ज़्यादा प्रोडक्ट मैं लगा लूँ ना अपने चेहरे पे तो मेरे चेहरे पे एक्नी और पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। मास्क लगाने के बाद कोई टाइम नहीं है, जब ड्राई हो जाए उस टाइम आप इसको साफ़ कर दें। अच्छा, ये जब ड्राई हो जाएगा ना तो ये फॉर्म से साफ़ नहीं होगा, आपको डायरेक्ट धोना होगा। सॉफ्ट हो गई, अभी अभी मुँह धोके आई हूँ, देखिए मास्क के बाद कितनी सॉफ्ट हो रही है स्किन, और ये कुछ रिजल्ट है। मैं अभी करने लगी थी वैक्स, ये मेरे पास वैक्स रखी हुई है, वंडर वैक्स है, यानी कि हॉट वैक्स है, किसी भी मौसम में वैसे तो यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास छुरी है, स्पैचुला नहीं है, तो मैं छुरी की मदद से करूँगी। और ये कुछ स्ट्रिप्स हैं, इसको हम खोल लेते हैं, इसका लिड होता है एक लगा हुआ, वो भी हटा देते हैं। और ये देखें नाइफ़ की मदद से हम इसको थोड़ी सी ले लेंगे, आपने पतली सी लेयर लगानी है वैक्स की, उसके बाद पेपर की मदद से आपने इस तरह से रिमूव करने, बाल अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। वैक्स करने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैंने ब्लीच अपने पैरों के लिए बनाया था, अच्छे से हम हाथों पैरों पे अप्लाई कर लेंगे, हाथों की मदद से ही आप अप्लाई कर लें। अच्छा जी, तो आपने जो हाथों और पैरों के लिए जो ब्लीच आपने बनानी है उसमें जो पाउडर है ना उसकी क्वान्टिटी आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हाथों और पैरों की जो स्किन होती है ना वो ज़रा हार्ड स्किन होती है, बस फिर आपने लगा के छोड़ देना, जब ड्राई हो जाए उसके बाद आपने अपने हाथ और पाँव को धो लेना है। हाथों पे भी हो गया है और पैरों पे भी हो गया, देखिए कितने साफ़ हो गए हैं पाँव, देखें नीट क्लीन हो गए हैं। वैक्स तो मैंने खुद ही कर ली थी और ब्लीच भी कर लिया है, अब भाई हम लगाने वाले हैं
मेहंदी जी। तो भाई मैंने सोचा कि जब सब काम हो ही रहे हैं तो लगे हाथों में मेहंदी भी लगा लेती हूँ। वैसे भी बच्चे सो रहे थे, आपको पता है बच्चे सो रहे होते हैं तो बड़ा सुकून हो जाता है घर में, क्योंकि सो रहे होते हैं चार्जिंग पे लगे होते हैं भाई, उसके बाद तो उन्होंने हमारी बैटरी लो करनी होती है। तो भाई मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा लेते हैं। तो फिर बैठ के मैंने जल्दी से मेहंदी उठाई और भाई लग गई अपने कामों में, मेहंदी लगाई जल्दी से अपने पैरों पर, हाथों पे मेहंदी लगाई। मुझे ईद का मौका है भाई, खुशियाँ इन्हीं चीज़ों से होती हैं, त्यौहार है हमारा ये। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, इस बार हमने त्यौहार मनाना है भाई पूरे जोश और खरोश से। तो भाई सारे काम मैंने कर लिए थे अपने, फिर भी व्लॉग मेरा लेट हो गया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने देखें जी ये फाइनल लुक है, मैं पैरों पर मेहंदी लगा के फ्री हो गई हूँ, अब हाथ पर लगाती हूँ, हाथ की देखें ये हालत हो रही है जी। तो मेरी मेहंदी तो भाई फाइनल हो गई है, देखें मैंने हाथ पर भी लगा ली है मेहंदी। आप बताइएगा कैसी लग रही है आपको। इंशाल्लाह आपको ईद वाले दिन यानी कि कल के दिन में ये ब्लॉग मिलेगा, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि आज के ब्लॉग में आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, वो क्या गुड न्यूज़ है देखिए जी। सारा सामान ही सामान है, बेड को इग्नोर कीजिएगा, ये सब समेटना है मैंने। जैसे आपको पता है काम काज में लगी हुई थी आपकी बहन, दीवारें शिवारें धोने में, कपड़े शपड़े धोने में, तो इस वजह से बेड को इग्नोर करें, ये शॉपिंग दिखा के कपड़े प्रेस करके उसके बाद जो है ना मैं झाड़ू पोछा करके बेडशीट वगैरह सब कुछ डाल के फिर ही सोने वाली हूँ। और वो वक़्त भी अभी तक नहीं आए हैं। तो भाई मैं आपको दिखाने वाली थी ये चीज़ें, ये क्या है भाई आपको पता है जैसे हमारा काम वाम नहीं है तो वो मैं शॉपिंग नहीं कर पाई थी और मेरी ईदी भी नहीं आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ईदी नहीं आएगी, लेकिन जो है मेरी ईदी आ गई है भाई, एंड टाइम पर आई है लेकिन आ गई है ईदी। ईदी तो मेरी आज ही आई है। बस ये जो सामान है ना, इस बॉक्स में जो सामान था ये मेरा आया था तकरीबन 2-3 दिन पहले। ये देखिए इस पर लिखा हुआ भी है रमज़ान करीम। इसमें जो सारा था ना वो था राशन, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें से कुछ तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। देखें ये देखें, ये सेवैयों का पैकेट है, इसको मैंने शॉपर में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये जो है ना खुल गया है, तो सेवैयां तो हम कल बनाएंगे। साथ में है चीनी, ये देखें यहाँ पे जो 3 किलो चावल रखे हुए हैं, इसी तरह 3 किलो चीनी थी, 3 किलो ऑयल था। जैसे आपको पता है ये ऑयल चीनी तो रमज़ानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये तो मैंने इस्तेमाल कर ली। अब मेरे पास सिर्फ 1 पैकेट ऑयल का रह गया है और 1 ही पैकेट मेरे पास चीनी का रह गया, बाकी हर चीज़ मैंने इस्तेमाल कर ली है। और हाँ, इसके साथ ना एक रूह अफ़ज़ा की रेगुलर वाली बोतल होती है ना, एक तो होती है जंबो साइज़ और एक होती है नॉर्मल साइज़, वो वाली एक बोतल भी थी और खजूरें भी थी इसके साथ। और साथ में देखें हल्दी है, सूखा धनिया है पिसा हुआ, और ये लाल मिर्च पाउडर है, साथ में मूंग की दाल है, और ये तकरीबन 2 किलो जितना है ना बेसन है, और ये देखें पत्ती है, और इसके साथ क्या है ये देखें काले चने का पैकेट है, और ये है भाई नमक। ये वापस रखते हैं, इससे जो है ना मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला रोज़े उसने बरकत दे अम्मी वालों के घर में, उन्होंने इतना सब कुछ किया मेरे लिए ईदी भेजी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हमेशा ईदी आती है, ऐसा करती हूँ ये सब कुछ जो है ना पैकिंग में है ना इन सब चीज़ों को खोल के फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो मैंने जो है ना सारे बॉक्सेस खाली कर दिए, सारा यहाँ पे खलारा मचा दिया, गंद मार दिया एक बार फिर से अभी वो बाद में समेटूंगी, पहले मैं आपको दिखाऊँ। आज तो भाई मेरी खुशी समाई नहीं जा रही, मैं अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। ईद का मौका है, खुशियों का दिन है भाई, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। कल ईद होने वाली है इनशाला। तो भाई आपको मैं क्या दिखाने वाली, देखें 1 2 3 ये देखें जी। तो भाई यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे तो सेल लग गई है भाई, सेल लग गई है। सबसे पहले ये उठाते हैं, ये देखें ये है एक सूट मेरा, ये कमीज़ है, और ये देखें ये शलवार है, इस तरह की डिज़ाइनिंग वाली है, बड़ी प्यारी सी स्टिच हुई हुई है, और ये इसके साथ का दुपट्टा है, ये बड़ा प्यारा सा है। देखें इस पर एक कॉलर लगा हुआ है, शेरवानी कॉलर यानी कि बैन भी कहते हैं, और इस तरह से गला है इसका, और इसका बॉर्डर कैसे, अच्छा इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। चलें ये भी पहनेंगे तो आप देख लीजिएगा, और ये भी शलवार है, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है इसके ऊपर, ये देखें ये जो है ना इस तरह से करके है डिज़ाइन इस पर, ये भी बहुत प्यारा है, और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है भाई, इस पर मोतियाँ देखें कितनी प्यारी पीको हुई हुई है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें ये भी हम आपको इंशाल्लाह पहन के दिखाएंगे। और आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं, अबू बकर की और मेरी चप्पल जो है ना सेम लग रही है, इसमें से हमने कुछ भी नहीं लिया। अगर हम जाते शॉपिंग करने के लिए
तो आपको पता है हमने आपको हर चीज़ दिखानी थी, हमने वीडियो भी बनानी होती बाहर की, तो हम गए नहीं कुछ लेने के लिए, सब कुछ अम्मी खुद से लेकर आए हैं। अम्मी अबू दोनों आए थे ईद देने के लिए, अपने पास से लेकर आए। अब हम पहन के देखेंगे साइज सही भी है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे देखें, ये है मेरे मियाँ जी की चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल कहते हैं इसको, और बहुत प्यारी सी लग रही है, जब पहनेंगे तो और खूबसूरत लगेगी, बड़ी प्यारी चप्पल है। और ये देखें, ये मेरी चप्पल है, मेरी भी कोल्हापुरी चप्पल है, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि हम दोनों की चप्पलें जो है ना सेम सेम है। किस तरह दिखाऊँ मैं आपको, ऐसे ये देखें सेम सेम चप्पल है। देखिए भाई, ये हमारे मोहसिन की छोटी सी चप्पल, खेड़ी लाई है छोटी सी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये मेरे मियाँ जी का सूट है। अच्छा, इन्होंने ना इस सूट के साथ मैच किया है ना, ये देखिए दोनों सेम है, दोनों सूट सेम है। ये अबू बकर का सूट है, हाँ कमीज शलवार है, कमीज शलवार स्लीव है, ये भी बहुत प्यारा कलर है। अच्छा जी, ये बच्चों का सूट है, ये कितने नंबर का है, ये है 20 नंबर का और ये 22 नंबर का है। ये मोहम्मद हसन का सूट है, कुर्ता लग रहा है, कुर्ता पजामा टाइप, और ये जो है 20 नंबर वाला, ये मोहम्मद हुसैन का है। अच्छा, बच्चों के लिए भी अम्मी अबू जो है ना वो दो दो सूट लाएँ। ये देखें, ये शर्ट है, हाँ ये शर्ट और ये ट्राउज़र का, आजकल बहुत डिज़ाइन चल रहा है यहाँ कराची में, तो ये लाई हैं हुसैन के लिए। और ये वाला जो है ना, और ये जो है ये हसन के हैं, दोनों के सेम सेम हैं, सेम ट्राउज़र, देखें सेम ट्राउज़र। अच्छा, इसमें डिज़ाइन चेंज है, इसमें रेड लाइन्स हैं और इसमें ब्लैक लाइन है, ब्लैक वाइट। अच्छा, तो इन्होंने दो दो दिन के जोड़े दिए हैं, यानी कि दो ईद के। और ये जो है ना, ये वाइट सूट, ये बहुत प्यारा सूट है, ये देखें कितना प्यारा स्टिच हुआ हुआ है। ये रेडीमेड सूट है, ये सारे ही रेडीमेड कपड़े लग रहे हैं। और ये देखें, ये मेरे मोहसिन के दो नंबर के कपड़े ये बहुत प्यारे हैं। और इस पर देखें, इसका जो पजामा है ना, इस पर सबसे अच्छी चीज़ ये देखें, इसमें लास्टिक लगी हुई है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये हो गया मोहसिन का। और मोहसिन के पता है मज़े की बात, पता है क्या है, मोहसिन की पहली ईद है और हम सबके दो दो जोड़े हैं, अबू बकर का एक सूट है और मोहसिन के तीन सूट हैं। एक तो भाई ये कमीज शलवार हो गई, कुर्ता पजामा, और दूसरा ये देखें, ये ट्राउज़र शर्ट हो गई, ये वाली मोहसिन की है, ये देखें ये छोटी है, ये छोटी शर्ट है, तो ये ट्राउज़र शर्ट मोहसिन की हो गई। ये एक और ट्राउज़र और शर्ट, ये देखें ये भी मोहसिन के लग रहे हैं, ये देखें मोहसिन के साइज़ के हैं। भाई मोहसिन तो इस बार लकी निकला, हमसे ज़्यादा अच्छा बन गया भाई, उसके तीनों जोड़े बन गए नए। अच्छा जी, इसके साथ जो है ना लोफर्स भी हैं दोनों बच्चों के, और स्लीपर्स भी ली हुई हैं। अब स्लीपर्स आप चाहें तो कमीज शलवार के साथ भी पहना सकते हैं, आप पेंट शर्ट के साथ भी पहना सकते हैं, और साथ में जो है ना बनियाने भी दी हुई हैं डोरेमोन वाली, न्यू ईद के लिए ना बच्चों की बनियाने भी। और ये देखें, ये मेरे लिए चूड़ी हैं, ये मेरे दोनों सूट के साथ जाएंगी, देखें। और भाई ये देखें, ये तीनों घड़ियां हैं बच्चों की, और भाई इन दोनों के चश्मे भी हो गए। और ये देखें, मेरे लिए छोटे छोटे से केचर, छोटे छोटे से क्लिप लाई हैं, ये स्कार्फ़ की पिने लाई हैं, और ये जो है ना ये टॉप्स हैं, छोटे से हैं बड़े प्यारे से, लेकिन ये किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहे मेरे ख्याल से, उन्होंने बेदिहानी में मिस मैच ले लिए, चले कोई नहीं। और भाई ये देखें, मज़े की चीज़, छोटी सी नोज़ पिन है, बड़ी प्यारी है, ईद पे हम नोज़ पिन भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे माशाल्लाह। आपने शॉपिंग देखी, आप मुझे बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और इसमें से मैंने कुछ खुद से कुछ भी नहीं लिया, इंशाल्लाह कल बच्चों को पहनाएंगे, खुद भी पहनेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।